बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से फिट होंगे। मैं उतला और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाते हैं और ब्लॉगर की वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर जाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। जज़ाकअल्लाह। तो दोस्तों हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं ब्लॉगर। तो स्टूडेंट्स और जो दोस्त हैं हमारे, ये हम एक फुल कोर्स टाइप की वीडियो बनाने वाले हैं। ये हमारी फुल वीडियो तकरीबन 5 तो दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पे अपना नाम दे देना, आपने जो भी रखना है, मैंने पेस्ट कॉपी करके रखा हुआ था। और यहाँ पे आपने एड्रेस दे देना है जो ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। इस पेज खत्म करते हैं और देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस शो हो रही है इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डिस्प्ले नाम दे देना और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना, आपको मेल भी आ जाएगा। ये काम आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं और अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है, हम इसका ओवरव्यू करते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट कुछ इसी तरीके से क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसको करते हैं कस्टमाइज वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको कस्टमाइज करेंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और कुछ जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये स्टेटस है, ये जैसे एनालिटिक है, यहाँ पर आपको व्यूज़ वगैरह शो होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे अपने अपने आर्टिकल्स पेस्ट करने हैं, कॉपी जो भी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे एनालिटिक्स शो होगा, जो भी बंदा कमेंट करेगा यहाँ से आपको कमेंट शो होंगे, यहाँ से मोनेटाइजेशन के लिए वगैरह वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने पेजेस बनाने हैं, यहाँ पे आपका जो भी थीम होगा उसको कस्टमाइज करना। ठीक है, लेआउट से यहाँ से आप अपना थीम चेंज कर सकते हैं। और ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर हम चला जाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने खूबसूरत सा देना है। ठीक है, 500 वर्ड का। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और अपने चैनल के अबाउट से उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लगता है कीवर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, क्या 500 मुकम्मल ही हो गए। तो सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे फेविकॉन अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे आपको ब्लॉगर का फेविकॉन शो हो रहा है वो अपलोड करना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं ताकि आपको एक छोटी छोटी चीज़ों से समझा रहा हूँ और यही आपको काम आएगी और फ़ायदा देंगी। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेती है कभी कभी, बाकी इतना भी नहीं लेती। ये फाइल का साइज जो है ज़्यादा है और इसको री एडिट वगैरह करना पड़ेगा। या आप यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, png2 वेब पी। ठीक है, तो ये JPG है, तो यहाँ से भी आप जो है ना इसे PNG कर सकते हैं, और सॉरी WebP।
ठीक है, मतलब वेब की पिक्चर, इसका साइज बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, आपका फेविकोल यहाँ से लग जाएगा। इसको हम कर देते हैं ख़त्म और आ जाते हैं इसके बाद नीचे। यहाँ पे आपको प्राइवेसी दी जाती है, क्या आप सर्च इंजन ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने ब्लॉग का। उसके बाद जनाब यहाँ पे आपका एड्रेस शो हो रहा है और कस्टम डोमेन लगाने के, ये भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कस्टम डोमेन कैसे लगानी है, या आपका HTTPS वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपको परमिशन वगैरह वगैरह, उसके बाद नीचे आ जाते हैं पोस्ट हैं, ठीक है, ये पोस्ट टेम्पलेट भी बताऊंगा आपको। उसके बाद जनाब ये कुछ मेन्यूज हैं, ठीक है, कमेंट वगैरह को, ईमेल। उसके बाद जनाब हम अपना टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान, ये दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा देगी वीडियो। यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है और पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डेट वगैरह को यहाँ पे अपने सर्च इंजन में डिस्क्रिप्शन देना है कि, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ दोबारा इधर अपने चैनल के अंदर, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ से कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी शायद ज़्यादा हो जाए। आपने एक यूनिक सा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, तो ये कीवर्ड मैं यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। के बाद आगे यहाँ पे जो है ना TXT रोबोटेक्स ये वो वगैरह वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का TXT कोड होता है TXT, यहाँ पे आप अपना कंटेंट एक्सपोर्ट बैकअप ले सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं अगर बैकअप आपके पास मौजूद है। उसके बाद कुछ और फ्यूचर्स हैं जिसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।